तो गैस मेरा जो लिंक है वो अप्रूव हो चुका है और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ, ये 100% डू फॉलो EDU बैकलिंक्स है। और साथ ही साथ गैस यहाँ पे जो है EDU ब्लॉग पोस्टिंग भी कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे ब्लॉग का ऑप्शन दिख रहा होगा और यहाँ पर एड न्यू एंट्री का ऑप्शन है और यहाँ पर सिंपली आपका टाइटल कंटेंट आपको अपडेट करना है, तो गैस ऑटोमेटिकली आपका ब्लॉग पोस्ट भी हो जाएगा यहाँ से। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, क्योंकि गाइस आज की वीडियो में आप सबके लिए एक यूनिक वेबसाइट लेके आया हूँ, वो भी EDU वेबसाइट है। और वहाँ से आप दो टाइप के बैकलिंक्स आप क्रिएट कर सकते हो, एक तो प्रोफाइल बैकलिंक और दूसरा जो है ब्लॉग पोस्टिंग वाला बैकलिंक। तो गाइस वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, तभी आपको समझ आएगा कि किस तरह से आपको लिंकिंग करनी है। और साथ ही साथ गाइस एक चीज़ मैं हमेशा बोलना चाहूँगा, ये चैनल जो है ये आपका और मेरा चैनल है जिसका नाम है SEO स्मार्ट की। इस चैनल के ऊपर आपको बैकलिंक्स के रिलेटेड, ट्रैफिक के रिलेटेड, रैंकिंग के रिलेटेड प्रॉपर SEO के वीडियोस आपको मिलती रहेगी, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और गाइस नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना, क्योंकि ऐसी वीडियोस खाली SEO स्मार्ट की चैनल पे ही मिलेगा। इसके अलावा जो भी आपके जो डाउट्स होंगे, जो भी आपके जो क्वेश्चन होंगे, आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, या तो गाइस आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पर भी DM कर सकते हो, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये है वेबसाइट, से लेकर इस वेबसाइट का DA PA स्पैम स्कोर और डोमेन रेटिंग चेक करते हैं। तो गाइस इस वेबसाइट का DA 72 है और PA 49 है, लेकिन जो स्पैम स्कोर है वो 1% है। और ये जो वेबसाइट है ये 36 ईयर्स पुरानी वेबसाइट है। और इस वेबसाइट की डोमेन रेटिंग की अगर मैं बात करूं वो है 79। अब इसमें बैकलिंक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। गाइस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। सबसे टॉप में जो आपको लॉग इन का ऑप्शन दिखेगा, आपको लॉग इन पर क्लिक करना है। जैसे आप लॉग इन पर क्लिक करोगे वहाँ पर जो है क्रिएट न्यू अकाउंट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद सिंपली आपका यूजर नेम, पासवर्ड, फिर ईमेल आईडी, फिर से ईमेल आईडी, फिर आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर उसके बाद आपका कंट्री, ये सारे डिटेल्स यहाँ पे आप अपडेट कर देना। अपडेट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगा, मेल वेरीफाई होगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे मेरे पास मेल आ चुका है। तो गाइस मैंने मेल को भी वेरीफाई कर लिया। और वेरीफाई करने के बाद आपको क्या करना है, आपको दोबारा से लॉग इन पर आपको जाना है और वहाँ पर आपको यूजर नेम और पासवर्ड आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली यहाँ पर लॉग इन हो जाएगा, मीन साइन अप भी हो जाएगा और ऑटोमेटिकली यहाँ पे लॉग इन भी हो जाएगा। जैसे आपका अकाउंट लॉग इन हो जाएगा आपको क्या करना है, सबसे टॉप पे आपका यूजर नेम दिखेगा, उस पर क्लिक करना, आपको प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा। जैसे आप प्रोफाइल पे जाओगे वहाँ पे एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको एडिट प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फुलफिल करना है जो जो इंफॉर्मेशन आपके पास है। और उसी तरह गाइस यहाँ पे वेबसाइट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आपको अपना वेबसाइट का जो होम पेज का जो लिंक है उसको अपडेट कर देना, सारे डिटेल्स अपडेट करने के बाद इसको सेव पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे आपका जो लिंक है वो लाइव हो जाएगा और यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने इंस्पेक्ट करके दिखा रहा हूँ और ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है। तो गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे आपको ब्लॉग एंट्रीज का भी ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपके पास एक ऐड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको ऐड पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे आपको सिंपली आपको टाइटल और आपका कंटेंट, फिर इमेज, फिर टैग, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे अपडेट करना है। तो गाइस ये सारी डिटेल्स यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ, अपडेट करके गाइस इसको पब्लिश करके मैं आपको दिखा देता हूँ और उसके बाद लिंकिंग कैसे करते हैं वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है मैंने टाइटल और कंटेंट मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। और लिंकिंग करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी आपका जो कीवर्ड होगा कीवर्ड को आपको सेलेक्ट करना है। कीवर्ड सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर जो है हाइपर लिंक ऑप्शन दिख जाएगा, आपको सिंपली हाइपर लिंक पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप हाइपर लिंक पर क्लिक करोगे वहाँ पर URL को कॉपी पेस्ट कर देना। उसके अलावा गाइस यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन दिख जाएगा और इसके अलावा गाइस यहाँ पे टैग का भी ऑप्शन है। तो गाइस मैंने सारे डिटेल्स अपडेट कर दिया, इसके बाद मैंने सेव पे क्लिक कर दिया। आप देख पा रहे होंगे मेरा जो पोस्ट है वो पब्लिश हो चुका है। अब मैं इस लिंक को जो है इंस्पेक्ट करके दिखा देता हूँ कि ये नो फॉलो या डू फॉलो है। तो गाइस आप देख पा रहे होंगे इंस्पेक्ट पर मैंने क्लिक कर दिया और ये 100% डू फॉलो बैकलिंक्स है, कहीं पर भी नो फॉलो नहीं लिखा। तो गाइस आज का वीडियो बस इतना ही था, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि गाइस ऐसे वीडियोज़ खाली SEO स्मार्ट की चैनल पर आती रहेगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए, कौन से सबमिशन के ऊपर चाहिए या कौन से क्वेश्चन के ऊपर चाहिए, आप बस कमेंट कर देना, उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊंगा ताकि आप सबको एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिले। थैंक यू सो मच गाइस।